हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, वार्षिक बजट में सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लिए 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आखिर ये नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, नवीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय संसाधनों से एकत्रित की जाती है तथा प्राकृतिक रूप से एक समय उपरांत उसका पुनर्वहन हो सक पाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश, वायु ज्वार, लहरें, भूतापीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे बिजली उत्पादन, वायु और जल ताप शीतलन, परिवहन और ग्रामीण ऊर्जा सेवाएं। REN 21 की 2017 की रिपोर्ट के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा से मनुष्यों की वैश्विक ऊर्जा की खपत में 19.3% का योगदान दिया है। ठीक है, ये सीधी बात आप बोल सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कभी ना खत्म हो। ठीक है, जैसे सूर्य की विकास कभी खत्म होगा, तो जब खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो तब तक चलेगा जब तक एक पृथ्वी है। ठीक है, जैसे वायु तब तक चलेगी जब तक एक पृथ्वी है। ठीक, तो अक्षय मतलब छह ना हो। अक्षय ऊर्जा के प्रकारों की बात करें हम लोग, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ और पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है। हालांकि डेनमार्क, याद रखना, डेनमार्क या अमेरिका की तुलना में पवन उद्योग के लिए एक नवीन उपयोगकर्ता होने के उपरांत भी पवन ऊर्जा के लिए घरेलू नीति समर्थन ने भारत को दुनिया में चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाले देश में बनने के लिए प्रेरित किया है। 30 जून 2018 तक भारत में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 34,293 मेगावाट थी, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु में 7,269.50 मेगावाट, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आपका 4,140 मेगावाट, फिर उसके बाद गुजरात 3,454.30 मेगावाट, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर था कर्नाटक। ठीक है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ था, तमिलनाडु में, आपकी आंध्र प्रदेश में 746, फिर मध्य प्रदेश 423.40 मेगावाट में केंद्रित। तो याद रखिए, पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ, तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र में। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 10% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। भारत में 2022 तक पवन ऊर्जा से 660,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ठीक है, सौर ऊर्जा, अब बात करते हैं सौर ऊर्जा। भारत घनी आबादी या उच्च और सौर विकृत विकृत देश है, जो कि भारत में सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक आदर्श संयोजन स्थापित करता है। नवंबर 2009 में घोषित भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत अपने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यह कार्यक्रम 11 जनवरी 2010 को 20 गीगावाइट ग्रिड क्षमता के लक्ष्य को 2022 तक प्राप्त करने तथा 2 गीगावाइट ऑफ ग्रिड प्रतिष्ठानों के साथ शुरू किया गया था। यह लक्ष्य बाद में 2015 के केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा उसी तिथि तक 100 गीगावाट तक बढ़ा दिया गया। पहले 2 गीगावाट था, अब 100 गीगावाट बढ़ा दिया गया। इस राष्ट्रीय सौर मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करेगा। मिशन का उद्देश्य 2022 तक ग्रेड समानता, ग्रेड पर वितरित की गई समान और गुणवत्ता पर वितरित बिजली को प्राप्त करना है। सौर ऊर्जा मिशन को सौर भारत के नाम से भी प्रचारित किया जाता है। 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस होलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की शुरुआत की। ISA 121 सौर समृद्ध देशों का एक गठबंधन है, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इस क्षेत्र के बाहरी कई देशों के भी संगठन से जुड़े हुए हैं। ISA का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और वितरित करना, जिसमें 2030 तक
$1 ट्रिलियन निवेश जुटाने का उद्देश्य भी है। फिर है आपकी बायोमास। भारत अपने उष्णकटिबंधीय स्थानों विद्युत धूप के धूप और बारिश को देखते हुए बायोमास उत्पादन के लिए एक आदर्श वातावरण है। देश की विशाल कृषि क्षमता विशाल कृषि अवशेष प्रदान करती है, जिसका उपयोग गर्मी और बिजली अनुपयोग दोनों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इरेडा के अनुसार बायोमास लगभग 260 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति करने में सक्षम है, जो प्रतिवर्ष लगभग 250 बिलियन रुपए की बचत में सहायक होगा। यह अनुमान है कि भारत में बायोमास ऊर्जा की क्षमता में बायोमास ऊर्जा से 16,000 मेगावाट और बेगास कोजेनरेशन से 3500 मेगावाट की क्षमता है। फिर अवशिष्ट से ऊर्जा प्रतिवर्ष भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग 55 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और 38 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त तो उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में ठोस एवं तरल अवशिष्ट उत्पन्न किए जाते हैं। भारत में अवशिष्ट उत्पादन भविष्य में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। जैसे जैसे अधिक लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करेंगे, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे खपत के स्तर में वृद्धि होने की संभावना है, जिसे अवशिष्ट उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है। यह अनुमान है कि भारत में उत्पन्न कचरे की मात्रा प्रति व्यक्ति लगभग 1 से 1.33% सालाना की दर से बढ़ेगी। इससे भूमि की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और कचरे के निपटान परिवहन और परिवहन की आर्थिक लागत बढ़े हुए MSWPD नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पीडी के स्तर के पर्यावरणीय परिणाम के लिए इसकी आवश्यकता होगी। फिर है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रुकावटें, ठीक है। समस्याएं क्या क्या हैं? अनिश्चितता, उच्च ऊर्जा लागत के परिणाम स्वरूप पुराने बिजली खरीद समझौते पर फिर से जोर दिया जाता है। इससे बिजली की आपूर्ति में अनिश्चितता पैदा होती है, इसके परिणाम स्वरूप आगे के निवेशों को खतरा पैदा होता है। फिर लचीलापन, नवीकरणीय ऊर्जा के मांग एवं आपूर्ति संतुलन की आवश्यकता में लचीलापन ऊर्जा प्रमुख मुद्दों के रूप में उभर रही है, जो उपभोक्ताओं के विश्वास को कम करता है। फिर आपूर्ति श्रृंखला में मुद्दा, बायोमास बिजली उत्पादन में आपूर्ति श्रृंखला बाधित रहती है। फिर कम ऊर्जा दक्षता, सीमित तकनीक की क्षमता, उच्च प्रारंभिक पूंजीगत व्यय, सीमित बाजार, नीतिगत मुद्दों में ने ऊर्जा दक्षता हासिल करने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अब बात करते हैं समस्याओं का निवारण, ये समस्याएं हमारी। अब बात करते हैं समस्याओं का निवारण। शासन सुधार, लागत प्रभावी पावर ग्रिड संतुलन के लिए एक तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है। नवीकरणीय खरीद दायित्वों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और अक्षय ऊर्जा की अंतरराज्यीय बिक्री को सुगम बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के बाजार की समस्या स्थापना, ऊर्जा संतुलन हेतु राष्ट्रीय स्तर के बाजार और नियम होना चाहिए। फिर सहकारी संघवाद, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र जैसी केंद्रीय स्तर की एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय संतुलन की लागतों का सामाजिकरण करना चाहिए। पूरे सिस्टम पर बिजली संयंत्रों से जुड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करना चाहिए अथवा अक्षर ऊर्जा के नियमन के लिए GST परिषद जैसी संघवादी प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए। फिर विकेंद्रीकरण, डिस्कॉम्स ग्रिड का ग्रामीण क्षेत्रों के संयोजन में विकेंद्रीकरण नवीकरणीय ऊर्जा विश्वसनीयता में वृद्धि कर सकती है। फिर तकनीकी वृद्धि, सौर PV बायोगैस बायोमास जैसे हाइब्रिड अक्षर ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर सब्सिडी, उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करके वाणिज्यिक बायोगैस को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को अक्षर ऊर्जा उपयोग की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है। फिर आपका आगे का रास्ता क्या होगा? भारत नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक वाले देशों में से एक है। 2019 तक भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 35% नवीकरणीय स्रोतों में से है, जिसमें देश में कुल बिजली का 17% उत्पादन होता है। भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चिंतित और सतत विकास के समर्थक में भी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर और अधिक प्रयास करने होंगे, ठीक है। तो
तो ये थी हमारी नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें आने वाली बाधाएं और आगे के रास्ता क्या है, इनकी समस्याओं का निदान क्या है, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। ठीक है।